नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये काफी लेंथी होने वाली है, क्योंकि हम आपको इसके अंदर जो भी चीज दिखाएंगे वो आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाएंगे, इसलिए आपको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आइए इसके प्लॉट साइज की बात करते हैं। इसका प्लॉट साइज 15x50 फीट का है। अगर इसकी गज में बात करें तो आपको यहाँ पर 83 गज और 2.7 मरला का ये प्लॉट देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों हाउस की हम कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 33 से 34 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग आ जाएगी। और दोस्तों, जो आज का हाउस है ये आप हाईलाइट में देख रहे हैं, आपको जो इंटीरियर है ये भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा और शानदार देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर हाउस की वेंटिलेशन की बात है तो वेंटिलेशन में तो आपको बिल्कुल इश्यू आने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी वो हमने सेंटर से भी क्लियर कर दी है और हाउस के बैक साइड से भी क्लियर कर दी है। और दोस्तों, जो हाउस की डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप उनको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो हाउस प्लान के डाउनलोड लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्या तो दोस्तों, हाउस के मेन गेट से एंट्रेंस लेने के बाद आपको यहाँ पर एक शानदार पार्किंग देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, इस पार्किंग का साइज है 14 फीट 3 इंच बाय 20 फीट और 3 इंच का, एक बहुत अच्छा साइज देखने को मिल रहा है। और आप इस पार्किंग का एक डिजाइन देख सकते हैं और आप इस पार्किंग एरिया में एक कार और अपनी 2-3 बाइक आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। तो एक बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ हम एंट्रेंस लेते हैं हाउस के स्टेयर ब्लॉक की तरफ। तो आप इसको अपना ये कोर्टयार्ड भी बोल सकते हैं। और जो आपकी हाउस की वेंटिलेशन है वो यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। और ऊपर हमने इसके ऊपर एक ग्लास प्रोवाइड किया है, वो आप इस वीडियो में आगे देख लेंगे। और जो हमारी स्टेयर है, स्टेयर आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज देखने को मिल जाएंगी। आप इसको हाउस का कोर्टयार्ड एरिया भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको जो हाउस का ड्राइंग रूम है वो आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिल जाता है। और इसका साइज 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का रहेगा, जो एक इनफ साइज है। और जो ड्राइंग रूम है ये आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है अगर हम हाउस की प्राइवेसी को देखें तो। और जो ये ड्राइंग रूम है इसकी वेंटिलेशन आपको OTS के थ्रू देखने को मिल जाएगी, जो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखा देंगे। तो इसके बाद आपको इस ड्राइंग रूम के साथ अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। और इस टॉयलेट का साइज है 9 फीट 6 इंच बाय 5 फीट का, जो कि एक आपको यहाँ पर अच्छा साइज देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है हाउस का OTS एरिया। यहाँ से आपके टॉयलेट और इस ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन हो जाएगी, और जो ऊपर वाले रूम है जो बैक साइड में बने हुए हैं उनकी भी वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगी।
और दोस्तों इसके बाद हम स्टेयर से होते हुए हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं। हमने आपको जैसे बताया कि स्टेयर आपको क्लॉकवाइज देखने को मिल जाएगी और स्टेयर की जो विड्थ है वो आपको 3 फीट और 6 इंच देखने को मिलेगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटी सी गैलरी देखने को मिल जाती है और जो इसका साइज है ये आपको यहाँ पर 5 फीट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर पैसेज के लिए एक इनफ साइज रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद हाउस के किचन एरिया की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक शानदार किचन देखने को मिल रही है और इस किचन की जो टोनिंग है ये थोड़ी सी ऑरेंजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस किचन के अंदर अपना एक डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट काउंटर दिया है, आप इसको हटाकर एक प्रॉपर डाइनिंग टेबल यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस किचन के जो कैबिनेट्स हैं उनका अगर इशू है तो उनका भी एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि जो साथ वाली जो ये वॉल है ये हमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, आप यहां पर भी कैबिनेट एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल किचन के साथ ही यहां पर वॉशिंग एरिया देखने को मिल जाएगा, ये आपका यूटिलिटी एरिया का भी काम करेगा और जो वेंटिलेशन है जो वॉशिंग एरिया और किचन की वो भी OTS के थ्रू होगी, आप यहां पर देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हाउस के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर बेडरूम मिलने वाले हैं आप उनको मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनके साथ अटैच टॉयलेट, अटैच ड्रेसिंग, अटैच बालकनी देखने को मिल जाएगी सिर्फ एक बेडरूम को छोड़ के। और इस बेडरूम का साइज है 9 फीट 6 इंच बाय 14 फीट का। ये है इस बेडरूम के साथ अटैच ड्रेसिंग, इसका साइज 4 फीट और 4.5 फीट और 7.5 इंच का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और आपको इसी के साथ एक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा, इसका साइज 4 फीट बाय 9 फीट का रहेगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारे बेडरूम से होते हुए हम आगे हमारे हाउस के बालकनी की तरफ चलते हैं। और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक बालकनी देखने को मिल जाती है और ये बालकनी आपकी 5 फीट से ऊपर ही आपको यहाँ पर साइज देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर साइज हैं वो आपको प्रॉपर हाउस प्लान में देखने को मिलेंगे, वो आपको एक बार डाउनलोड करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। तो इसके बाद हाउस के सेकंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। सेकंड फ्लोर पर आपको यहाँ पर 2 बेडरूम पर देखने को मिल जाएंगे। वही इसके बाद ये है हाउस का सेकंड बेडरूम और आप देख सकते हैं इंटीरियर तो आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल ही रहा है। और इस बेडरूम का साइज है 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का। हम आपको जो यहाँ पर साइज है वो आपको अच्छे प्रोवाइड करवा रहे हैं। और दोस्तों आपको इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा और इस टॉयलेट का साइज 9 फीट 6 इंच बाय 5 फीट का रहेगा। और एक बात मैं आपको ये और कंफर्म कर दूं कि जो हमारे हाउस के टॉयलेट बने हुए हैं वो हाउस के किचन के ऊपर नहीं बने हुए हैं, कहीं आपके ये मन में ये एक डाउट रह जाए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए इसके बाद हाउस के थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बैक वॉल पर एक वुडन का डिजाइन देखने को मिल जाता है और फोटो फ्रेम भी देखने को मिल जाएंगे, अच्छी सीलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सामने टीवी पैनल और अच्छी वार्डरोब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और आपको इसी बेडरूम के साथ अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक बालकनी भी अटैच देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके लिए एक और प्लस पॉइंट है। ये है जी हाउस के थर्ड बेडरूम का ड्रेसिंग रूम, आपको यहाँ पर अच्छे ड्रेसिंग देखने को मिल रहे हैं, इसमें नो डाउट कोई जो इनके अंदर कुछ कमी है हम कह दें। और आपको अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाएंगे, इस टॉयलेट का साइज 4 फिट बाय 9 फिट का रहेगा। आपको अच्छे साइज तो हम इसके साथ प्रोवाइड करवा ही रहे हैं।
अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसके बाद हम हाउस के थर्ड फ्लोर यानी हाउस के टेरिस एरिया की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको जो हमने ग्लास लगाया था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इसकी जगह फाइबर भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो दोस्तों ये है हाउस के फ्रंट का टेरेस एरिया। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर हमने सिटिंग प्रोवाइड की है और आपको यहाँ पर अच्छा एक मेटालिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको फ्रंट में एक बालकनी भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इससे आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हाउस के जो बैक साइड में हमारा एक छोटा सा एक पार्ट और है टेरेस का। यहाँ पर हमने ओपन जिम यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो आप यहाँ पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर रहेगा। ओटीएस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओटीएस ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो हाउस का ममटी का एरिया है आप देख सकते हैं ऊपर आपका जो यहाँ पर ग्लास आएगा वो ऐसे कुछ आएगा, और बाकी आपकी इच्छा रहेगी, आप इसको जैसे बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक बार और देख लीजिएगा, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नमस्कार।